वेलकम बैक लर्नर्स, हमने अभी बात करी स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेव टू इंडस्ट्रियल वेव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू कैपिटलिस्ट, वर्क टेनेंट्स टू वर्कर्स एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम ए प्रोडक्शन करें या बी प्रोडक्शन करें या सी प्रोडक्शन करें, तो इसको इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया जाता है थ्रू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के थ्रू, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, सपोज सोसाइटी में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, जब हम भी किसी भी एक फैक्टर के इफेक्ट को स्टडी करना चाहेंगे तो हम बाकी सारे फैक्टर्स के इफेक्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं, नलिफाइड मान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सटेरिस पेरिबस, यानी कि बाकी सारे फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नलिफाइड रहेगा, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक ही फैक्टर के इफेक्ट को स्टडी करेंगे। सपोज इकोनॉमी में हमारे पास दो वेरिएबल है जिनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सपोज कॉटन, या अगर हम इसे आसान शब्दों में समझना चाहें तो Either we produce food or clothes, ठीक? Option A, option B, option C, option D, option E। अगर हम सिर्फ food ही food produce करते हैं society में, तो हम clothes नहीं produce कर सकते, ठीक? अगर हम cloth का production बढ़ाते हैं, तो हमें food का production give up करना पड़ेगा। Suppose हम एक unit क्लोथ बढ़ा रहे हैं तो एक यूनिट हमें फूड का प्रोडक्शन गिव अप करना पड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम अगला यूनिट ऑफ क्लोथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमें फूड का जो गिव अप करना पड़ रहा है वो सपोज 2 यूनिट है, तो यानी कि जो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 7 और 2 है। अब सपोज हम क्लोथ का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं 3, तो फूड का प्रोडक्शन हमें और कम करना पड़ रहा है, सपोज ये कम होकर के हो गया 4 या 5, मतलब ये सिर्फ हमें कॉम्बिनेशंस बता रहा है, ऑप्शंस बता रहा है। फिर हम क्लोथ का एक और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो फूड का प्रोडक्शन कम होकर के हो गया 1, और जब हम सोसाइटी में या इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फूड का प्रोडक्शन हो जा रहा है तो फूड का प्रोडक्शन हो जा रहा है 0। यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई और ऑप्शन एफ, हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं सोसाइटी में या इकोनॉमी में। अब हम शब्द को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं और उसे कहते हैं इकोनॉमी। हमारे पास इकोनॉमी में 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए इज या तो हम 10 फूड का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, अगर हम 9 फूड का प्रोडक्शन करेंगे तो हम एक क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर हम 7 यूनिट्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से डी, ई और एफ, अगर हम सिर्फ क्लॉथ ही क्लॉथ का प्रोडक्शन करेंगे 5 यूनिट्स तो हमारे फूड का प्रोडक्शन हो जाएगा 0। यानी कि हमारी इकोनॉमी हमें बताती है कि अगर हमें इन दो वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्शन करना है तो एक के प्रोडक्शन करने के लिए हमें दूसरे के प्रोडक्शन को गिव अप करना पड़ेगा। इसी को जब हम ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, this is unit A and this is unit B. This is food and this is cloth. अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ फूड है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ फूड है और 0 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ है, यानी कि ऑप्शन ए इज दिस इज ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कहता है जब हमारे पास फूड 9 है तो हमारे पास क्लॉथ 1 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फूड हमारे पास 9 है और क्लॉथ हमारे पास 1 है, तो ये पॉइंट आया कहीं यहां पर, ठीक, कहीं यहां पर। फिर ये कहता है कि क्लॉथ हो गया 2 और फूड हो गया 7, क्लॉथ हो गया 2 और फूड हो गया 7, करीब यहां पर। फिर उसके आगे देखते हैं क्लॉथ हो गया 3 और फूड हो गया 4,
कहीं यहां पर। फिर क्लॉथ हो गया फोर और फूड हो गया वन और आखिर में क्लॉथ हो गया फाइव और फूड हो गया जीरो, यानी कि ये। तो ये ग्राफ थोड़ा सा एक्चुअली ये इस तरीके से बनता है। तो ये इस तरीके से जब बनेगा तो हमें बताएगा कि किस तरीके से हम एक ऑप्शन के लिए दूसरे ऑप्शन को लगातार गिव अप करते जा रहे हैं। तो ये फ्रंटियर कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि जब हम एक क्वांटिटी या एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी को गिव अप करने लगते हैं तो दूसरे कॉमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इसी के अंदर है। हमारी इकोनॉमी इस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। ये इकोनॉमी अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे विश्व के हैं तो हमारा पूरा विश्व इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के इस तरफ जाकर के प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसके प्रोडक्शन सिर्फ इसी फ्रंटियर के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में हमने कहा था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पे एक वेरिएबल निकल के आया हमारे सामने जिसको हमने कहा डिमांड। नाउ व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड, क्या लगता है आपको डिमांड क्या होती है? मैं एक ऑडी खरीदना चाहता हूं, ये एक डिमांड है? या मैं एक हवाई जहाज खरीदना चाहता हूं, ये एक डिमांड है? या कोई एप्पल का आईफोन खरीदना चाहता है, वो एक डिमांड है? किस तरीके से एक डिमांड डिमांड कहलाती है? जो चीज मुझे चाहिए वो डिमांड है, या डिमांड होने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है? तो सी, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ डिजायर टू बी अ डिमांड। डिजायर और डिमांड दोनों एक चीज नहीं होती, डिजायर आगे बढ़ करके डिमांड में परिवर्तित हो सकती है। समझिए कैसे। डिमांड, डिमांड मिलकर के बनता है तीन वेरिएबल से। द फर्स्ट इज डिजायर। डिजायर यानी कि मैं किसी चीज को चाहता हूं और मुझे वो चीज पसंद है और मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं, डिजायर। तो जो दूसरा शब्द निकल के आया खरीदना, यानी कि एबिलिटी, क्या मैं उस चीज को खरीद पाने के लिए सक्षम हूं। फर्स्ट इज डिजायर, द सेकेंड वर्ड इज एबिलिटी। डिजायर एंड एबिलिटी, तो क्या ये दो मिलकर के डिमांड बन जाते हैं? नहीं। जो तीसरा वेरिएबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे यानी तीन वेरिएबल, डिजायर, सेकेंड वन इज एबिलिटी एंड द थर्ड वन इज विलिंगनेस टू पे। डिजायर यानी मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं, एबिलिटी यानी कि मुझे वो खरीदने के लिए मेरे पास क्षमता है, मेरी उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, एंड विलिंगनेस कि मैं उस पैसे से सिर्फ वही चीज खरीदना चाहता हूं, कोई और चीज नहीं खरीदना चाहता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मम्मी ने आपको 100 रुपए का नोट दिया और कहा जाकर के मार्केट से दाल खरीद लाओ, आज घर में दाल नहीं है, 1 किलो दाल ले आना। आप दाल लेने के लिए निकले, आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए का नोट है, जाते जाते रस्ते में एक मोमो की दुकान पड़ गई या चाउमीन की दुकान पड़ गई या कैफे, आजकल तो सीसीडी का जमाना है, सीसीडी पड़ गया, आपका मन एक कॉफी पीने का कर रहा है कि कॉफी की कॉस्ट भी 100 रुपीज है। नाउ सी, यू हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल, या तो जो मम्मी ने कहा है कि आप 1 किलो दाल लेकर के घर आ जाइए, या फिर आपका जो मन कर रहा है कि एक कॉफी पी लेते हैं। तो दोनों में से आप क्या चीज कर सकते हैं? देखिए, डिजायर है, डिजायर दाल खरीदने की भी है और कॉफी पीने की भी है। एबिलिटी, एबिलिटी 100 का नोट है आपके पास, आप 1 किलो दाल भी खरीद सकते हैं, आप एक कॉफी भी पी सकते हैं। दो वेरिएबल्स, दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तीसरी कंडीशन विलिंगनेस टू पे। अब क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही 100 का नोट है, या तो उस 100 के नोट से आप दाल खरीद लेंगे या तो उस 100 के नोट से आप कॉफी पी लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपकी विलिंगनेस पे कि आप उस 100 के नोट से क्या खरीदना चाहते हैं, घर के लिए सामान या अपने लिए कॉफी। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है, ये जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा वहां पे वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो दूसरी डिजायर थी वो सिर्फ डिजायर ही रह करके
खत्म हो जाएगी। अगर आपने दाल खरीद ली तो तीनों वेरिएबल फुलफिल हो गए और आपकी दाल की डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो गई और कॉफी की डिजायर ड्रॉप डाउन हो गई। और अगर आपने कॉफी पी ली तो आपने दाल नहीं खरीदी और दाल की डिजायर आपकी डिजायर ही रह गई और वो ड्रॉप डाउन हो गई और आपकी कॉफी की डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो गई और वो डिमांड आपने फुलफिल कर दी। तो सी, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, ये तीन वेरिएबल्स मिलकर के बनाते हैं डिमांड। तो व्हाट इज अ डिमांड? एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी कॉमोडिटी के लिए डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे मिलकर के बनाती है डिमांड। ये हो गया डिमांड। अब हम बार बार बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी किस तरीके से होती है? इकोनॉमी दो तरीके से होती है बेसिकली। एक होती है जिसमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे राइट होता है गवर्नमेंट का, और दूसरी इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे राइट होता है कैपिटलिस्ट का। नाउ अब मैं बार बार ये शब्द बोल चुका हूं कई बार कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लगता है आपको, क्या होते होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एनी आइडिया? मैं बताता हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की आवश्यकता हमें हो रही है, दोज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, लैंड। द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, लेबर। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, कैपिटल। एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप, द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी क्या होते हैं? सबसे पहला है लैंड। लैंड डिपिक्ट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी। वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल रिसोर्स हैं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कहलाते हैं लैंड। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, अब मेरे प्रीवियस लेक्चर में, लैंड जैसे कि पानी, कोयला, पेट्रोलियम, आयरन ओर, इस तरह के कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो मिनरल वाटर है, ये सब के सब लैंड में काउंट होते हैं। यानी कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब के सब लैंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। द सेकंड वन इज लेबर। नाउ व्हाट इज लेबर? लेबर इंक्लूड्स बोथ काइंड ऑफ लेबर्स दैट आर मेंटल लेबर एंड फिजिकल लेबर। मेंटल लेबर यानी कि कोई अपना ऑफिस में ब्लू कॉलर जॉब, सॉरी व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, जिसका सिटिंग वर्क है, ऑफिस नेचर का वर्क है, दोज आर मेंटल लेबर। दूसरा इज फिजिकल लेबर, यानी कि कोई मजदूरी कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोयले की खदान में काम कर रहा है या वहां पे जहां पे हम मैनुअल श्रम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कहलाता है फिजिकल लेबर। जहां पे हम अपना दिमागी श्रम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा मेंटल लेबर। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट करा है, चाहे वो आपने अपना पैसा लिया है, चाहे आपने लोन लेकर के पैसा लिया है, चाहे आपने इक्विटी रेज करी है, चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्किल। दिस इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर और दिस इज नॉट अ अदर फैक्टर लाइक द अदर थ्री फैक्टर्स। इट इज अ स्किल। इट इज अ स्किल ऑफ यूजिंग दीज थ्री फैक्टर्स इन वेरियस प्रोपोर्शनेट for producing a different kind of good or services known as entrepreneurship. ये entrepreneurship की मूलभूत परिभाषा से एकदम विभिन्न है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम economics में वैसी परिभाषाएं नहीं लेते जैसी परिभाषाएं वो उस subject की हैं। economics में हम उन्हें अलग तरीके से समझ रहे हैं, हम उनके शब्दार्थ में नहीं, हम उनके भावार्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि entrepreneurship एक ऐसी skill है जो कि बाकी बचे हुए तीन factor of production को अलग अलग proportionate में इस्तेमाल करके एक नए प्रकार के good and service का सृजन करती है या जनरेशन करती है, क्रिएशन करती है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे कि मैगी तो बनती ही थी, फिर धीरे धीरे करके टॉप रामेन बनने लगा, फिर उसके बाद यिप्पी आ गई, वाई वाई आ गई। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरह की ये फैक्टर ऑफ, अलग अलग तरह की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है।
मैगी थी, फिर नूडल्स आ गए, फिर नूडल्स के बाद हमने सूप बना दिया, सूप बना करके फिर हमने बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होने लग गए। तो इस तरीके से जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल है। देखिए, लैंड वही है, लेबर वही है, कैपिटल वही है, यानी ये तीनों रिसोर्सेज तो सभी को अवेलेबल है। तो एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल के थ्रू इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग प्रोपोर्शनेट में, अलग अलग प्रोपोर्शनेट मींस अलग अलग तरीके से, कोई कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करता है, लेबर कम इन्वेस्ट करता है, और नेचुरल रिसोर्सेज कम इन्वेस्ट करता है और आईटी इंडस्ट्री बना देता है, कोई लेबर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करता है और नेचुरल रिसोर्सेज कम इन्वेस्ट करता है और ऑटोमोबाइल बना देता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कोई नेचुरल रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्या लेबर कम इस्तेमाल करता है, कैपिटल और कम इस्तेमाल करता है और वाटर बॉटलिंग प्लांट बना लेता है जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं। तो दिस इज डिफरेंट प्रोपोर्शनेट। हम उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोपोर्शनेट में इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग तरह के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम अलग अलग तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा है। तो दीज आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी में वेरिएशन लाने के लिए। हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। डिमांड कंप्राइज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट वेरिएबल, दोज आर डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डिजायर बनी, एबिलिटी बनी, विलिंगनेस बनी, जब तीनों मिलकर के एक साथ खड़ी हुई तब बनी हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। इसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ताकि उन डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। थैंक यू।